nice to meet you. Yeah. So... I know. फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड मिल जाता है, तो ये भी एक ट्रैवलिंग का तरीका है। आज के दिन में हम लोगों ने टोटल खर्चा किया 100 में। आज हमारा दूसरा दिन है और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्लान ये है कि प्लान कोई भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे क्या क्या मोन्यूमेंट्स है घूमने के और कौन सी फेमस स्पॉट्स है। तो सोफिया सिटी को बेसिकली हम एक्सप्लोर करेंगे विदाउट एनी प्लान। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एक चीज़ बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा हुआ कंप्लीट। हाँ, वीडियो के एंड में हम टोटल खर्चा बताएंगे कि पूरे दिन का खर्चा कितना हुआ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, पर वो सिर्फ आधे दिन का खर्चा था। तो उस दिन हमने खर्च किए थे लगभग 2500 रुपये पूरे दिन में। हॉस्टल अभी तक हमने अपना बुक नहीं करवाया है क्योंकि बुल्गारिया ट्रिप के अंदर हमने कहीं भी कोई भी अकोमोडेशन अभी तक बुक नहीं कराया। ना अकोमोडेशन बुक है, ना ट्रांसपोर्टेशन बुकड है, कुछ भी बुक नहीं है, सिर्फ लौटने की फ्लाइट बुक है बस। तो ये है, अभी यहाँ पर 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पास में हम एक यहाँ पर बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पर ब्रंच करेंगे। और यहाँ पर ही पता नहीं कुछ अजीबोगरीब तरीके के गेम्स रखे हैं, सेट ऑफ 28, डोमिनोज, 6 ये तो शगुनी मामा का तारा सा लगा। मामा पोबारा बेटा, तू पोबारा। और अभी भी यहाँ पर सोफिया सिटी के सिटी सेंटर में देखा हमने कि यहाँ पर फ्री फ्लोइंग हॉट वाटर के टैप्स हैं। और लोग गाड़ियों से निकल के आ रहे हैं और बोतलें भर के, अपने कैंस भर के लेकर जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा देखा नहीं कभी मैंने। मतलब हाँ, फ्री फ्लोइंग वाटर टैप्स देखे हैं पर गाड़ियों से लोग आए और उनसे भर के ले जाएं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे देख के यहाँ पर। और सोफिया के अंदर खास बात एक ये है कि यहाँ के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जितने भी हाईलाइट्स हैं, वो सब एक ही जगह पे हैं। मुझे लग रहा है 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ है। वैसे तो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट कोई भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे रोमन रूइंस मिले थे 2010 2012 में, जब ये लोग यहाँ पे खुदाई वगैरह कर रहे थे मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, तो ये रूइंस इनको यहाँ पे मिले, जो कि मेन सिटी सेंटर में ही हैं। और इन्हीं रूइंस की वजह से इस स्टेशन का नाम पड़ा है सर्दी का, क्योंकि रोमन्स ने जब इस सोफिया सिटी की जब फाउंडेशन रखी थी, जब इस सोफिया सिटी को बनाया था, तो उस टाइम पे सिटी का नाम था सर्दी का, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। और ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग रोमन्स ने बनाई थी, ये एक चेन लाइक रूम अरेंजमेंट था और कुछ फलाना फलाना। और मेघा यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हुए पूरी बिल्डिंग का, सही बन रही है बिल्डिंग, मजबूत है। मैं बस देख रही थी कि यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल लगा होगा इतने साल पहले कि वो अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये भी चलो आगे और चल जाएगी 2000 साल। ये भी नीचे जो पत्थर। और यहाँ पे और भी एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मेरे पीछे दिख रही होगी, ये मॉस्क है और ये काफी कुछ इस्तांबुल की मॉस्क जैसी लग रही होगी। हाँ, वो ऑब्वियसली बात है लगेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम तक ओटोमन एम्पायर भी रहा था। 1300 सेंचुरी में रहा था। और इस वजह से, और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर था उस टाइम पे टर्की का, तो काफी यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, और उन लोगों ने मेरे ख्याल से 500-600 साल यहाँ पे राज किया, तो उनका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सोफिया के आर्किटेक्चर में। तो एक तरफ ये मॉस्क है, दूसरी तरफ चर्च है, एक तरफ ये रोमन रूइंस हैं, तो सब कुछ आसपास में ही है और काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और यहाँ के चर्चेस फेमस है अपने ओनियन डोम्ड स्ट्रक्चर के लिए, जो कि मैंने यहाँ से पहले तो शायद नहीं देखा, और शायद देखा भी हो तो नोटिस नहीं करा इतना। वैसे घूमने का असली मजा तो सस्ती कंट्रीज में ही आता है। ये सारा का सारा हॉट डॉग, सैंडविचेस और कॉफी कैपुचिनो हम लोगों ने टोटल 7 बुल्गारियन लाव में खरीदा, जो कि करीब पड़ता है 3.5 यूरो और 250-300 रुपए के आसपास, मैक्सिमम 300 रुपए के आसपास। मतलब मजा आ गया, आराम से यहाँ पर स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं और चहल पहल देख रहे हैं। भाई मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो हम लोग कब से सोफिया किए जा रहे हैं और हम लोग ये बताना तो भूलिए सोफिया है क्या। तो सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल सिटी है और बुल्गारिया क्या है? बुल्गारिया यूरोप की ऑलमोस्ट ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर कह सकते हैं। अच्छा, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं बुल्गारिया के बारे में क्योंकि हमने काफी सारे दोस्तों को बताया कि हम बुल्गारिया जा रहे हैं, तो वगैरह हैं ये कहाँ है क्या तो इसलिए मतलब बुल्गारिया वालों के ऐसे मतलब कोई बेइज्जती नहीं, पर फिर भी मतलब शायद इतनी पॉपुलर नहीं है हम इंडियंस के बीच में, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो बुल्गारिया की जो बॉर्डर शेयर होते हैं वो रोमानिया और ग्रीस से होते हैं और टर्की से होते हैं। हाँ, तो इसलिए हमने लगभग ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर बोला। और देखो पीछे यहाँ दिल्ली के पार्लियामेंट टाइप कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। भाई वाह, शानदार। तो बात कर लेते हैं बुल्गारिया की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री। इतने ज्यादा बड़े हिस्टोरियंस तो हम भी नहीं है पर मेन पॉइंट्स क्या हैं बुल्गारिया के बारे में बताओ मेघा। हाँ, तो यहाँ पर करीब 2000 साल पहले रोमन एम्पायर था, जिन्होंने यहाँ पर खूब सारे चर्चेस बनाए, बहुत सुंदर सुंदर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन 13वीं सदी में ओटोमन एम्पायर आया, जो कि टर्की का था। टर्की का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फेमस एम्पायर है ओटोमन एम्पायर। उन्होंने यहाँ पर से सारे चर्चेस तोड़ के मॉस्क बना दिए, ज्यादातर चर्चेस। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे मॉस्क बना दिए। और लेटर ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बुल्गारिया सोवियत रीजन में आता था 1945 से, और उसके बाद 1990s के करीब इनको डेमोक्रेसी मिली और जो आज का जो प्रेजेंट बुल्गारिया है फ्री बुल्गारिया वो 1990s से है। तो ये है छोटी सी हिस्ट्री, छोटी सी अबाउट बुल्गारिया। अभी शाम के 5:30 बजे और यहाँ पर 6 बजे से एक फ्री वॉकिंग टूर होने वाला है सोफिया का, जो कि सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे होता है डेली। और मुझे इन कंट्रीज़ की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस तरीके के वॉकिंग टूर्स वगैरह देते हैं, तो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको जो भी यहाँ के मेन हाइलाइट्स हैं उनके बारे में पता लग जाता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आपको टूर पसंद आए तो आप लास्ट में कुछ टिप दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये भी ठीक है क्योंकि अदरवाइज आदमी को देखना पड़ता है कि रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छा है कि नहीं है। अब हम लोग लेंगे टूर और देखेंगे कि भाई उसने कैसे बताया। वैसे मैंने इस तरह का टूर एक बार पोर्टुगल में लिया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो, और मुझे बहुत पसंद आया था वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे आए हैं और देखते हैं कि ये टूर कैसा रहता है। और बाय द वे ये टूर सोफिया के सिटी सेंटर में पैलेस ऑफ जस्टिस जो है वहाँ से शुरू होता है। पीछे जो शेर है ना, ये पैलेस ऑफ जस्टिस पे ही लगा हुआ है। It's no longer a bath. It's now a museum of the history of Sofia. Yeah. इस टूर में पता चला कि ये जो पानी के टैप्स हमने इस वीडियो के शुरू में दिखाए थे वो एक्चुअली नेचुरल हॉट मिनरल वाटर है विथ सेवरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़। और यही रीज़न है कि बड़ी तादाद में लोग इसको यहाँ लेने आते हैं। तो हमारा फ्री टूर खत्म हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। 2 घंटे का था। स्पीकर इतने अच्छे से बताया, बहुत सारी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स घुमाए। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली वो ये थी कि जो बुल्गारियन अल्फ़ाबेट्स हैं और रशियन अल्फ़ाबेट्स हैं वो दोनों सेम हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि बुल्गारियंस ने रशियंस की लैंग्वेज यूज़ की है, बट फैक्ट इज़ कि बुल्गारियंस ने उसको 9th सेंचुरी में इन्वेंट किया था लेटर्स को, और अब उसको रशिया में, सर्बिया में और इवन मंगोलिया तक में यूज़ करते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस टूर के थ्रू पता चली और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली, और ये टूर हाईली रिकमेंडेड है। हम लोगों ने एट द एंड लगभग 10 बुल्गारियन लैब दिए जो कि बनते हैं 5 यूरोज़। काफ़ी लोगों ने दिए, काफ़ी लोगों ने नहीं भी दिए। Nice to meet you. Yeah. So, I know. So, हम लोगों का टूर ख़त्म हो गया और हम लोगों को एक वहाँ से बहुत नाइस फ्रेंड मिली। इनका नाम लीना है और एंड शी इज फ्रॉम यूक्रेन। गुड थिंग्स फॉर मी। यस, आई सेड गुड थिंग्स दैट वी फाउंड, वी गॉट अ वेरी नाइस फ्रेंड फ्रॉम द टूर। एंड योर नेम इज लीना and you are from Ukraine. No, it's a Chernobyl. No, not really. Yes. Oh, really? I am from Chernobyl. And she told us a lot of things about Ukraine, yes, as well as Bulgaria. Kiev, it's 100 of Chernobyl, and maybe 100 kilometers far from Kiev. Okay. Yes, and when you go to Kiev, we go to Chernobyl. Yeah. And yes, and she also told us that whenever we are going to go to Ukraine, we should go to. So now we are going to get free accommodation and food in Kiev. Okay. और अभी हम यहाँ एक इटालियन रेस्टोरेंट में आए हैं डिनर करने। और मैंने पास्ता ऑर्डर करा है, सिद्धार्थ ने एक स्पेशल पिज्ज़ा ऑर्डर करा है, और साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं और काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो अच्छी इवनिंग जा रही है। नाउ वी से गुड बाय टू लीना। May you stay on Sofia? You write me? Yes, you will write me. And maybe I'll something. थैंक यू। यस, गुड। तो हमने अपनी यूक्रेनियन फ्रेंड को अलविदा कह दिया है। और अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हम बताना भूल गए वो ये है कि वो यहाँ पर पिछले 2 महीने से रह रही है और एज अ वॉलंटियर काम कर रही है एक हॉस्टल में। तो वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो करती है और साथ में वहाँ पर रह भी रही है। फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड मिल जाता है, तो ये भी एक ट्रैवलिंग का तरीका है कि इस तरीके से वॉलंटियर करना। तो सोफिया में हमारा 2nd डे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज के दिन में हम लोगों ने टोटल खर्चा किया 120 लैब का, जो कि बनते हैं लगभग 60 यूरोज, और जो कि बनते हैं 4-4,500 रुपए या इंडियन रुपीज 4-4,500 रुपए। हाँ, और इसमें हम लोगों ने हॉस्टल का रूम, साथ में ब्रंच, मतलब हॉस्टल का आज रात का रूम, और साथ में हम दोनों का बढ़िया रेस्टोरेंट में ब्रंच और साथ में शाम के स्नैक्स। और रात में हमने लीना के साथ ही डिनर किया एक नाइस पिज़्ज़ेरिया में। और साथ में जो हमने टूर लिया था उसको हमने जो टिप दी वो सब कुछ मिला के आज का हमारा दिन पड़ा 4-4,500 रुपए में। सोफिया में गुड टाइम। तो यूरोप के अंदर एक कैपिटल सिटी में रुके हुए हैं और 4,000 रुपए में पूरा दिन निकालना, इंक्लूडिंग खाना, वो भी रेस्टोरेंट्स में, और अकोमोडेशन। आई थिंक इट्स अ गुड डील। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए अलविदा।